मिलिट्री फोर लाइन पर करैया तिगड्डे पर अनियंत्रित होकर आपे मालवाहक पलटा, पिता पुत्र की मौत, 5 घायल। सागर के छोटा करीला निवासी पटेल अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपे मालवाहक से बरमान को जा रहे थे। जैसे ही आपे वाहन सुर्खी फोर लाइन के करैया तिगड्डे के पास पहुंचा तो आपे मालवाहक अनियंत्रित होकर पलट गया और मौके पर चीख पुकार मच गई, और जिसमें से मौके पर ही पिता जालम पटेल और पुत्र गणेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां घायलों का उपचार किया। 108 वाहन के EMT आदित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट की सूचना पर करैया तिगड्डे मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। 5 लोग घायल थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुर्खी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। जी क्या हो गया? एक्सीडेंट। अच्छा, काय से हो गया? नहीं, क्या काय में थी आप लोग? आपे में थी। तो आपे पलट गया, क्या हो गया? पलट जब गया। कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ से आई थी आप लोग? छोटा करीला सागर। तो चोट किस किस को आई? भैया चले गए, चोट चोट आई है बुआ को, मम्मी को, भाभी को, तो पाँव यही होगा, और हमारा थोड़ी पाँव में कांच लग गया मेरे को, और हल्के भैया लग गई है। भैया जी, क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। काय की पोस्ट पे हैं? EMT 108। 108 में डॉक्टर हैं जी। क्या हो गया, मामला क्या है? सुबह कॉल आया 108 पे जी, कि करिए तगड्डा के यहाँ थोड़े से आगे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। तो जाकर देखा। हाँ। तो वहाँ पर 5 लोग घायल थे। अच्छा अच्छा। और दो लेडी हैं जो डेड हो चुकी हैं। अच्छा, वहीं पे उनकी मृत हो गई। छोटा सा बच्चा है। 2 लोग मृत हो गए, 5 लोग घायल हैं। 5 लोग घायल हैं और 2 बच्चे हैं। जी जी। एक 8 साल की लड़की है। अच्छा। और एक 6 महीने का बच्चा है, जो सुर्खी अस्पताल में उनको पहुँचाया गया। तो सुर्खी अस्पताल में कोई डॉक्टर मिला? नर्स थी, स्टाफ नर्स, सब है, चेक किया है।